अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात है तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात जब करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिका के उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी, लेकिन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन के बाद जो भी अमेरिका की धरती पर राष्ट्रपति हुए उनकी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए थी। ऐसे राष्ट्रपति की सूची में अब्राहम लिंकन का नाम लिया जा सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है। अब्राहम लिंकन ने 1862 ईस्वी में अमेरिका की धरती से दास प्रथा को समाप्त किया था। अमेरिका संसार का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। अमेरिका संसार का पहला देश है जहां पर सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। अमेरिका संसार का पहला देश है जहां पर सर्वप्रथम जनता के लिए समानता एवं मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। आपसे यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेड इंडियन। पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय नारा क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो, नहीं तो कर नहीं। आप पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली कौन बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। पूछेगा कि जॉर्ज वाशिंगटन थे तो जॉर्ज वाशिंगटन को क्या था? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। पूछेगा कि अमेरिका का वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है? उसका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। पूछेगा अमेरिका संसार का पहला देश है जहां पर सर्वप्रथम किया हुआ था लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। आपको प्रश्न पूछा जाएगा संसार का पहला देश कहाँ है जहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी? वह है अमेरिका है। पूछेगा संसार का पहला देश कौन है जहाँ पर सर्वप्रथम जनता के लिए समानता एवं मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी? वह है अमेरिका है।